राज जिला बनाओ अभियान के द्वारा मलखान सिंह निषाद ने निकाली रैली। सर आपका क्या नाम है? राजा भटनागर हूँ, योगी सेवक हूँ। अच्छा, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ राज जिला बनाया जाएगा, राज जिला बने, और क्योंकि लोगों को बहुत परेशानी होती है हमीरपुर जाने में, और बहुत यहाँ समस्या भी बहुत है, ना सब जगह की समस्या आती है, रोड भी बहुत दूर पड़ती है, वहाँ कम से कम यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है हमीरपुर, और रोड भी बहुत खराब है, इसलिए और लोगों को बहुत परेशानी है गाँव। तो ये माना जाए कि हिंदू युवा वाहिनी का राज जिला बनाओ में पूरी तरह से समर्थन है? हाँ, समर्थन है यहाँ के हिंदू युवा वाहिनी। और आप अपनी सरकार से ऊपर भी प्रयास करेंगे जिला बनाने के लिए? पूरा प्रयास करेंगे सरकार से, और हमने कहा भी है मलखान जी से, हम जिला बनाने के लिए पूरा अभियान करेंगे, जो जो समस्या आती है उसको हम हल करेंगे। जी सर, आज किस संबंध में ये जुलूस निकाला जा रहा है? सर, ये हमारा जो राज है, महानगर है, ये राज जिला के संबंध में निकाला जा रहा है, जनपद हमीरपुर बहुत दूर पड़ रहा है हमारे लिए। अच्छा अच्छा, तो इस धरने पे आप कब से बैठे हुए हैं? मुझे एक वर्ष होने जा रहा है, विगत 12 मई से मैंने शुरू किया था धरना, तो आज जब इलेक्शन आया ये विधानसभा का, तो थोड़े दिन के लिए बंद कर दिया था, क्योंकि भारतीय संविधान के कानून का पालन करना था, इसीलिए आचार संहिता लगने के बाद मैंने बंद कर दिया था, और आचार संहिता खत्म होने के बाद पुनः चालू। पिछले एक साल से आप धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन आपको वो समर्थन नहीं मिल पा रहा है नगर से, क्या नगर के लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि ये जिला बनाया जाए? मिल रहा है समर्थन, मिल रहा है सर, जागरूकता नहीं है लोगों के अंदर, अब धीरे धीरे कोई भी काम है जागरूकता आ रही है, तो लोग जुड़ते जा रहे हैं, आगे जुड़ते जाएंगे। तो आप राजनगर वासियों से हमारे माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कि राज जिला बनाओ के अभियान में आपके साथ जुड़ें? मैं यही कहना चाहता हूँ राजनगर वासियों से कि देखिए भाई, एक समय वो था जो कि हमारा देश विदेशी शासन के हाथ में था, तो हमारे देश के लोगों ने हमारे देश को आज़ाद करा दिया, तो हमारे राज विधानसभा के क्षेत्र के लोग चाहें तो राज जिला भी बन सकता है। राज जिला बनने के बाद आप क्या समझते हैं, राज की तरक्की ज्यादा होगी? सर, ये राज जिला बन जाने से जो राज का पिछड़ापन है, 50% जो गरीब तबके का लोग हक और न्याय से वंचित है, और जो राष्ट्र का जो बेवजह नुकसान हो रहा है, आने जाने में समय बर्बाद होता है, ये सारी बचत होगी, तो राष्ट्र को भी फायदा है, हमारे क्षेत्र को भी फायदा है।